अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। सर्दियाँ हो और गाजर का हलवा ना हो तो बात बनती नहीं है। तो हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, जिसके बनाने के लिए हमें चाहिए 3 किलो गाजर, जिसे मैंने कट कर लिया है, 1 किलो दूध। दूध जो है वो आप टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए 1 कप ऑयल या घी, 2 कप चीनी हम लेंगे, क्योंकि गाजर मीठी होती है तो आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसे। और हमें इसके साथ चाहिए 8 से 10 सब्स इलायची। अच्छा जी, इसके अलावा हमें चाहिए 2 चम्मच देसी घी। देसी घी से गाजर के हलवे की रंगत भी, टेस्ट भी और उसकी खुशबू भी बढ़ जाएगी। हमने सिंपल क्या किया है, एक कढ़ाई में गाजरें डालकर उसमें 1 किलो दूध हमने शामिल कर दिया है और इसे हम पकने के लिए रख देंगे। पहले हम तेज़ आंच पे पकाएंगे और फिर हम इसे मीडियम कर देंगे। आप देख रहे हैं गाजर जो है वो बॉईल हो रही हैं दूध के अंदर। अब देखें, ये गाजर जो है ये अभी गली नहीं है, अभी हम मज़ीद इसे पकाएंगे और चेक करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद कि किस हद तक ये गल गई हैं, और अगर अभी इसमें कसर बाकी है तो इसे हम मज़ीद पकने के लिए रख देंगे। और अभी दूध मुझे काफ़ी लग रहा है कढ़ाई में मौजूद है अभी, तो हम देखते हैं कि अभी दूध है इसमें तो इसको मज़ीद पकाएंगे। ये देखें, दूध अभी मज़ीद इसमें पकेगा और जिससे गाजरें भी गल जाएंगी। अब हम इसको कवर्ड कर देते हैं और इसे मज़ीद पकने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद हम फिर चेक करेंगे इसे, और मेरा ख़्याल है अभी काफ़ी हद तक गाजर जो है वो गल चुकी है, दूध भी तकरीबन खुश्क होने के करीब है। तो एक मैशर लेंगे हम, जो इजीली बाज़ार से आपको मिल जाएगा, इसे हम गाजरों को मैश करेंगे। यहाँ देखिए, हमने गाजर जो है वो कद्दूकश नहीं की थी, क्योंकि बहुत टाइम लगता है कद्दूकश करने में, मेहनत भी होती है। तो ये बहुत ही ईजी वे है कि आप मैशर लें, गाजर जब बॉयल हो जाएं तो उसे मैश कर लें, और आप देखेंगे जब ये मैश हो जाएंगी ना तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि गाजर कद्दूकश की हुई है। आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें हमने सिर्फ गाजर कट करके ही डाल दी थी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब हम इसे दूध में पका रहे हैं, मैश कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको कहीं ये महसूस नहीं होगा कि हमें इसमें खोया भी डालना चाहिए, क्योंकि दूध जो बॉयल हुआ है गाजर के साथ वो खोए का ही टेस्ट आपको फराहम करेगा। ये देखें, गाजरें मैश हो चुकी हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने कद्दूकश किया था। मैं इसे अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ, और मैश करने के साथ साथ देख रहे हैं आप कि चूल्हा जल रहा है और दूध भी साथ साथ खुश्क हो रहा है। अब इसे हम चम्मच से हिलाएंगे और इसे इतना भूनेंगे कि ताकि इसका जो दूध बाकी रह गया है वो भी खुश्क हो जाए। अच्छा, आंच आपने मीडियम रखनी है, बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी है, मीडियम आंच पर ही इसको हम भूनेंगे। और दूध देखें, दूध के आपको यहाँ वाइट वाइट से डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, वो बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा जैसे हमने इसमें खोया डाला है। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनेगा, आप ज़रूर इसे टेस्ट करिएगा बनाकर। तो इसे जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल ये बाज़ार जैसा ही टेस्ट फराहम करेगा। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पर गाजरों को भून लिया है, दूध इसका खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम आगे के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। 2 कप चीनी इसमें हमने डाल दी है, और इसे अच्छी तरह से गाजर के साथ मिक्स कर लेंगे, और इतना इसे हम भूनेंगे कि पानी जो है चीनी का खुश्क हो जाए। अच्छा, यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप चीनी की मिकदार कम कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। और वैसे ये जहन में रखिएगा कि गाजरें ऑलरेडी जो हैं वो मीठी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने चीनी डाल दी है और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, और फिर हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 कप ऑयल या घी। अगर आपको मीठा घी में ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर घी इस्तेमाल करिएगा, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होते हैं तो वो ऑयल ही यूज़ करते हैं मीठों में भी, तो आप मीठे में फिर अपनी मर्ज़ी से ऑयल या घी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ ऑयल शामिल कर दिया है और अच्छी तरह से मैं इसे भून रही हूँ। गाजर को हमने अच्छी तरह से भूनना है कि यहाँ पर ऑयल जो है वो हमें अलग से चमकता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाए, तो वहाँ हम समझ जाते हैं कि हमारा हलवा जो है वो भुन चुका है। देखें, ये काफ़ी हद तक भुन चुका है, तो मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ सब्स इलायची, जो मैंने आपको दिखाई थी 7 से 8 अदद। लेकिन हाँ, इलायची को आपने पीस के इस्तेमाल करना है, अगर आप उसको साबुत डाल देंगे तो छिलके मुंह में आते हैं, जो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। ये देखें, मैंने इलायची को पीस लिया, उसका पाउडर बना लिया है, वो यहाँ पर मैं गाजर में शामिल कर रही हूँ, और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं ये हलवा बना रही हूँ। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाज़ार से खोया मंगाने की या बहुत महंगे महंगे और अज्जा मंगाने की। आप सिंपल आपके किचन में जो अज्जा मौजूद हैं उन्हीं से आप गाजर का हलवा आसानी से बना सकते हैं और जायका बहुत ही बेहतरीन आपको लगेगा। अच्छा जी, 2 चम्मच मैं यहाँ देसी घी डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके घर में मौजूद है तो आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इससे खुशबू, टेस्ट और एक और चीज़ के गाजर पे इसकी बड़ी अच्छी सी एक जो है शाइनिंग आ जाएगी हलवे के ऊपर। तो अगर आपके घर में है तो आप ज़रूर 2 चम्मच देसी घी जो है इस पर डालिएगा। और बस यहाँ समझे हमारा हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। आप शाइन देख रहे होंगे घी डालने के बाद, इतनी ज़बरदस्त किस्म की शाइन जो है वो हलवे के ऊपर आ चुकी है और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है देखने में भी, और खाने में तो जाहिर सी बातें होगा ही। तो कुछ चीज़ें देखने में भी बड़ी मज़ेदार लगती हैं, और अगर देखने में चीज़ मज़ेदार लगेगी ना तो यकीनन वो खाने में भी मज़ेदार होगी। तो यहाँ हलवा हमारा डन हो चुका है, मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, आपकी मेहनत बहुत कम लगेगी इसमें लेकिन मज़ा बहुत आएगा। थोड़े से मैंने यहाँ बादाम पिस्ते कट किए हुए हैं जिससे हम गार्निशिंग करेंगे गाजर के हलवे के ऊपर। और जो भी आपके घर में मौजूद है ड्राई फ्रूट आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप बिना ड्राई फ्रूट के भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक आपको नज़र आ रही है गाजर, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान गाजर का हलवा तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।